यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने मैंने एक स्टॉल देखा गुड़ का शरबत। तुमने गुड़ का शरबत कभी पिया है कि नहीं पिया? नहीं भाई, गुड़ का शरबत तो नहीं पिया आज तक। मैं तुम्हें गुड़ का शरबत पिलाता हूँ, आओ तो मेरे साथ चलो। यहाँ पर गुड़ का शरबत इतना बेहतरीन किस्म का होता है ना, इसमें बादाम भी होता है और गुड़ भी होता है और कुमेल भी होता है। तो वो पीने के बाद जो एक रिफ़्रेश हो जाता है ना, वो तुम देखो। तुम आओ, तुम मेरे साथ आओ। ये मैं तो बताएं, ये जगह लेके कहाँ आया? बस लेके तो यार लेके क्या, मैंने तो रुकवाया है। ये मेन मेरे ख्याल में ये सफूरा चौरंगी है। सफूरा चौरंगी के कॉर्नर पे राइट आते हुए लेफ्ट साइड पे पड़ेगा ये स्टॉल। और इधर आओ तो मैं दिखाता हूँ कैसे बना रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए खैरियत से? शुक्र है। ये जरा शरबत तो बताएं, ये कहाँ से कहाँ पर पहले बनता था? ये इजाद कहाँ की है ये तो पता? ये पिशावर की है। पिशावर की है ये? पिशावर की ये गुड़ पिशावरी, गुड़ पिशावरी शरबत खिलाया जाता है इसको। अच्छा, दो गिलास बनाए तो भाई। अच्छा, आपका नाम क्या? नाम तो पूछना भूल गया। ये बिलाल नाम है मेरा। ये सपूरा चौरंगी में आज पहला दिन है जो इफ्तिताह किया। चले हम ही से इफ्तिताह हो गया आपका, माशाल्लाह। चले दो गिलास बनाए, आए जरा मैं बताता हूँ आपको क्या क्या बनता है। ये आपने बर्फ डाल दिया, दूध और पानी मिक्स है। अच्छा, दूध और पानी मिक्स है। ये जो है ना गुड़ का शीरा है। ये गुड़ का शीरा कहाँ है? गुड़ का शीरा। अच्छा, ये गुड़ का शीरा। गुड़ का शीरा आपने खुद बनाया है? खुद बनाया है, इस गुड़ से बना हुआ ये जो पड़ा हुआ ये। अच्छा अच्छा, ये देसी गुड़ है? जरा देखिए, देसी गुड़ है, पिशावरी गुड़ है। पिशावरी गुड़ है इधर देखना तो। ये देखें, ओहो चख ले थोड़ा सा। हाँ चलो, ये ले लो। हाँ नहीं भैया, बेहतरीन किस्म का गुड़ है ये। आप लोग खाएं, गुड़ खाएं। गुड़ का ये कंजक्शन जो होता है ना, गुड़ खाने से नहीं है, कोई सोडा नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। बॉटल में भी जाके चेक कर सकते हैं। गुड़ खाने से एक और फायदा है, आपके अंदर जो कितना कंजक्शन होता है ना, ये सारा क्लियर कर देता है। अगर आपकी खांसी हो या अंदर कोई बलगम वगैरह हो, आप गुड़ खाएं डेली बेसिस पे। ये डस्ट वगैरह जो होती है गुड़, उसके लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। ये बताएं कि गुड़ का शरबत ये कहाँ से आया? कहाँ से? ये पिशावर से आया। पिशावर से है? ये पिशावर जैसा कराची का कौन सा चीज़ मशहूर है मैं बताऊँ? इस तरह ये भी पिशावर का बहुत पसंदा चीज़ है और गर्मी का दुश्मन खिलाया जाता है इसको। पिशावर में तो इतनी गर्मी होती है? हाँ, पिशावर में तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, कराची में नहीं होती। अच्छा, वहाँ का ठंड भी ज़्यादा है तो वहाँ का गर्मी भी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले सही है, बेहतरीन है भाई। गुड़ आप खाएँ का भाई, आके देखें आप। नॉर्मल गुड़ से बिल्कुल अटक रहा है, जो वाइट गुड़ होता है ना। यहाँ से आपको जो है ना गुड़ का शरबत भी मिलेगा और फिर गुड़ भी आपको चाय का अलग मिलेगा, जूस का ये शरबत का अलग गुड़ भी मिलेगा, दस्तयाब भी है यहाँ। अच्छा, अलग से चाय का? हाँ, पिशावरी गुड़। अच्छा, बेहतरीन यार, ज़बरदस्त। अभी हमारा कल परसों माल आ रहे हैं, वो फिर यहाँ पर क्या हिसाब है वैसे? बस रेट वो मुनासिब ही है, ज़्यादा नहीं है। चले ये पहला जो है, पहले हम ग्राहक जो है हम लोग बन गए। ये ले पहले, एक आप भी ले। सुबह सुबह इफ्तिता हो गया भाई, आज पहला दिन है। पहला दिन है, पहले ग्राहक नहीं है भाई हम लोग, पहले ग्राहक नहीं है। सुबह इफ्तिता हो गया है माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह आगे भी बड़ा अच्छा चलेगा, क्योंकि ये है बड़ी ज़बरदस्त चीज़। आप चेक करें भाई, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही चेक करें। हाँ भाई,
ज़्यादा भी हो। भाई ता भाई क्या भाई कैसा है, सही जगह रुका है नहीं रुका है? ओ, है तो आखिर अलग है ना, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ये तो सेहत के लिए, सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है गुड़ तो, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि ठंडा ठंडा ना इस वक्त, आजकल की इतनी गर्मी नहीं है लेकिन ठंडक भी नहीं, लेकिन इस मौसम में भी ना गर्मियों में तो और मज़ा आ जाएगा। क्यों ये हाँ भाई ता भाई मज़ा करवा दिया ना हमने, आखिरी हो गया तो बस फिर चलते हैं बस। मैं तो अभी तो हमें आगे जाना है, आपको भी पता है तो किस काम के लिए निकले हुए, तो ये चलते में एक ऐसे ही एक चीज़ नज़र आई तो हमने कहा चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।